Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर अभिलाष मिश्रा आप सभी का आपके अपने चैनल सिविल गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इंजीनियर, आज हम बात करेंगे ट्रेंगुलर स्टब के बारे में कि जो अभी तक हम पढ़े हैं नंबर ऑफ स्टब, ट्रेंगुलर स्टब हो गया, रेक्टेंगुलर स्टब हो गया, सर्कुलर स्टब हो गया, इसकी कटिंग लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हम आज आए हैं अपने क्लासरूम से लाइव, क्योंकि हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी जो प्रीवियस क्लासेस थी वो थी फुटिंग और स्टब। तो आज हमारे इंजीनियर्स देंगे प्रेजेंटेशन, तो मैं बुलाना चाहूंगा अपने इंजीनियर आशुतोष सर को कि सर आइए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। तो मायसेल्फ आशुतोष कुमार ओझा, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ट्रायंगुलर स्टिरप्स की कटिंग लेंथ किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो उससे पहले आप ये मॉडल देखिए, ये है हमारा ट्रायंगुलर स्टिरप, इस तरह से आता है, एक मॉडल है। यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर स्टिरप के साथ बाइंड है। हम इसे क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम इसे उस केस में प्रोवाइड करते हैं जब कॉलम में स्ट्रेस इतनी बढ़ जाए कि अकेला रेक्टेंगुलर स्टिरप उसे बियर ना कर सके। इन दैट केस उसकी सीएल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए हम ट्रायंगुलर स्टिरप प्रोवाइड करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये स्टिरप है, उसमें हम 40 mm का क्लियर कवर प्रोवाइड कराते हैं। 40 mm, ये आप देख रहे हैं, ये हमारी कॉलम है, ये हमारा रेक्टेंगुलर स्टिरप है 8 mm का, और ये है हमारा ट्रायंगुलर स्टिरप। तो कटिंग लेंथ होती क्या है? कटिंग लेंथ सिंपल है कि कोई भी बार बेंड अगर है उसे अगर हम स्ट्रेट कर दें तो जो उसकी लेंथ होगी वही हमारी कटिंग लेंथ होगी। तो सिंपल है, ये ट्रायंगुलर स्टिरप है, इसको अगर हम यहाँ से बेंड कर देंगे तो हमें ये एच होगी, ये एच होगी और ये ए होगी। तो बस हमें इन्हीं तीनों को ऐड करना है। अब हम इसमें क्या अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे IS 2502 में पेज नंबर 13 में दिया हुआ है कि हमें इसमें सेंटर लाइन अप्रोच फॉलो करनी है, जिससे हमें ट्रायंगुलर स्टिरप की कटिंग लेंथ पता चलेगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये एच पता करना है, ये ए पता करना है। हमारी ये एच वाला पोर्शन है, इसको फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ये बी और ये ए बाय टू फाइंड करना होगा। ए बाय टू के लिए हमें पहले ए फाइंड करना होगा। ए के लिए क्या है, 400 mm माइनस क्लियर कवर, क्लियर कवर 2 times क्लियर कवर 40 माइनस 40, और सेंटर लाइन अप्रोच है, इसलिए इस स्टिरप का सेंटर से लेके इस स्टिरप के सेंटर तक की बीच ए है। तो उसके लिए हमें इस 8 mm का यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ, यानी 8 by 2 डिटेक्ट करना होगा। हमें क्या मिल जाएगी ए, 312। देन आफ्टर बी, बी कौन सी डिस्टेंस है, इस स्टिरप के सेंटर से लेके इस स्टिरप के सेंटर तक की डिस्टेंस है। तो उसके लिए हमें क्या क्या डिटेक्ट करना होगा, बी में, बी में हमें 350 माइनस क्लियर कवर, क्लियर कवर 2 times, और इस स्टिरप का डाया का हाफ, सेम डाया का हाफ माइनस 8 by 2 माइनस 8 by 2। डाया का हाफ इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे सेंटर लाइन अप्रोच फाइंड कर रहे हैं। सेंटर लाइन अप्रोच मतलब हमें जो बी डिस्टेंस है हमारे इस स्टिरप के सेंटर से लेके इस स्टिरप के सेंटर तक है, इसलिए हमें ये हाफ और ये हाफ डिडक्ट करना है। तो बी हमें यहाँ से कितना मिल गया, 262। हमें ए मिल गया, हमें बी मिल गया, हमें चाहिए क्या, एच। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी, एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए। सिंपल सा मैथ का फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम, वो लगाएंगे हमें एच मिल जाएगा। एच के लिए हम क्या करेंगे, एच ये वाली डिस्टेंस है, तो ये और ये, यानी एच इज अंडर रूट ए बाई टू होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमने ए फाइंड किया, कितना आया है हमारा, 312 बाय टू होल स्क्वायर, बी हमारा है स्क्वायर, आंसर हमारा है 305 mm। तो हमें एच मिल गया अपना 305 mm। बस हमें जो रिक्वायरमेंट थी एच की, ए की, वो हमें मिल गई। तो बस कटिंग लेंथ का जो फॉर्मूला है हम उसमें पुट कर देते हैं। तो कटिंग लेंथ होती है एच
प्लस एच प्लस ए, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें बेंड है, तो बेंड है 135 डिग्री का, 135 डिग्री का दो हुक है, तो हमें हुक लेंथ भी इसमें ऐड करनी है, तो प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। अब हुक लेंथ है, ये है हमारा 135 डिग्री पे बेंड, तो हुक लेंथ अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड होता है 12D, वेयर D इज द डाया ऑफ द बार। तो सिंपल है, हम कटिंग लेंथ के लिए यहाँ पे बस वैल्यू पुट करेंगे, H हमारा 305 है, प्लस अगेन 305 है, प्लस A हमारा कितना आया था 312, प्लस 2 हुक लेंथ 12D, 12D, D है हमारे यहाँ पे 8। बस हमें वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर मिल जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 114, ये हमारा आ गया कटिंग लेंथ। सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द कटिंग लेंथ ऑफ ट्रायंगुलर स्ट्रक्स इन एनी कॉलम। थैंक यू। तो यह जैसे आपने देखा कि कुछ ही टाइम में, कुछ ही क्षणों में कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक की कटिंग लेंथ। ऐसे ही हर पार्ट का, हर एक बिल्डिंग के कंपोनेंट का कटिंग लेंथ निकालना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे काउंसलर टीम का नंबर 9111001234 पर कॉल कर सकते हैं और अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इंजीनियर चलिए चलते हैं, मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत इंजीनियर्स। आप भी सिविल इंडस्ट्री के बन सकते हैं एक्सपर्ट इंजीनियर सिविल गुरुजी के साथ। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अब पहुंच चुका है आपके अपने शहर भोपाल, दिल्ली, लखनऊ और नागपुर में भी, एक खास ऑफर के साथ। पे कीजिए 60% फीस आफ्टर योर प्लेसमेंट। अभी कॉल करिए 9111001234 पर। सीट्स लिमिटेड है, जल्दी कीजिए।